बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स में हुई आगजनी के मामले में लगातार नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सिम्स में हुए आगजनी के मामले में जांच करने शुक्रवार की सुबह मानव अधिकार के सचिव डी के भट्ट के साथ और रायपुर स्पेशल ब्रांच के एसपी अजाज शत्रु बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स में आगजनी के मामले में लगातार नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सिम्स में हुए आगजनी के मामले में जांच करने शुक्रवार की सुबह मानव अधिकार के सचिव डीके भट्ट के साथ और रायपुर स्पेशल ब्रांच के एसपी आजाद शत्रु पहुंचे। इस दौरान दो सदस्यीय टीम ने हादसे की जगह का मुआयना किया और फिर हादसों के कारणों सहित सिम्स की व्यवस्था को लेकर चिकित्सकों से जानकारी ली। सिम्स के चिकित्सकों के बताए मुताबिक यह बात सामने आई कि सब स्टेशन में पिछले 17 वर्षों से पुरानी वायरिंग चल रही है। अब तक इसके लिए नई वायरिंग नहीं की गई है और न ही कोई परमानेंट इलेक्ट्रीशियन रखा गया है और पूरी बिजली व्यवस्था वार्ड बॉय के भरोसे की जा रही थी। वहीं जांच टीम इस दौरान सिम्स के निरीक्षण के साथ ही प्रबंधन की लापरवाही पर भी जमकर नाराजगी जाहिर की। गौरतलब है कि इस आगजनी की घटना में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि करीब आधा दर्जन मासूमों का इलाज अब भी निजी अस्पतालों में चल रहा है। बिलासपुर से अजीत मिश्रा की रिपोर्ट, ACN24।